12th class chapter 3 and today's topic is wheat stone bridge important topic hai beta aur specially numerical solve karoge to isko concept ka bahut use hoga theek hai to sabse pehle wheat stone ek scientist ka naam hai aur usne kuch resistance ko ek bridge ki form mein connect kiye isliye iska naam kya rakha hai wheat stone bridge theek hai to char resistance liye और उनको एक ऐसी शेप में कनेक्ट किया पी क्यू आर एस ये ए बी सी डी पी क्यू आर एस चार रेजिस्टेंस हैं और उनको एक ऐसी शेप में कनेक्ट किया ठीक है और इसके डायगोनली ऑपोजिट जो वर्टेक्स हैं उनके बीच में एक के बीच में तो क्या कनेक्ट किया बेटा गैल्वेनोमीटर क्या कनेक्ट किया गैल्वेनोमीटर और जो अनदर दो वर्टेक्स बच गए अपोजिट डायगोनल अपोजिट उनके बीच में क्या कनेक्ट किया एक ईएमएफ सोर्स बैटरी ठीक है ये जी क्या है जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर ठीक है अब देखो पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का यहां से करंट गया आई यहां पे करंट जाएगा तो डिवाइड होगा ना यहां पे करंट गया आई वन और इस ब्रांच में क्या जाएगा आई माइनस आई वन पॉइंट बी पे जाके फिर से करंट डिवाइड हुआ इस ब्रांच में करंट कितना गया आई जी और यहां पे आई वन माइनस आई जी ठीक है इस पॉइंट पे आके देखो ये करंट मिल गया ये करंट मिल गया दोनों इनकमिंग करंट है तो ये करंट क्या होगा आउटगोइंग यदि मैं केसीएल लगाऊंगा तो आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू आई माइनस आई वन प्लस आई जी ठीक है अब पॉइंट सी पे फिर से केसीएल अप्लाई करूंगा मैं तो बोथ इनकमिंग करंट दिस इज द आउटगोइंग करंट और इन सभी को क्या कर देंगे हम ऐड ऐड करेंगे इसके अंदर करंट कितना बचेगा बेटा ठीक है दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द करंट इन द नेटवर्क ओके अब इसके एक स्पेशल कंडीशन ब्रिज इज बैलेंस ब्रिज बैलेंस कब होगा ब्रिज बैलेंस होगा व्हेन द करंट इन द ब्रांच बी डी इज इक्वल टू जीरो वी कैन से दैट आई जी इज इक्वल टू जीरो जब गैल्वेनोमीटर में से करंट जीरो होगा तो गैल्वेनोमीटर कितना डिफ्लेक्शन शो करेगा जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा कोई डिफ्लेक्शन होगा ही नहीं ठीक है और दूसरी टर्म्स में हम क्या बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस एट डी जो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो क्या कोई करंट फॉलो करेगा नहीं फॉलो करेगा है ना और इसको एक सिंपल डायग्राम से हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं दिस इज द टैंक ऑफ ए वाटर एंड दिस इज अनदर टैंक ये बिल्कुल खाली है इन दोनों को कॉमन पाइप से कनेक्ट किया कॉमन पाइप से कनेक्ट करने के बाद यहां से पानी यहां पर मूव करना स्टार्ट कर देगा क्यों क्योंकि यहां पर हायर पोटेंशियल है और यहां पर क्या है लो पोटेंशियल तो करंट का भी यही कॉन्सेप्ट है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है ओके तो इसके अंदर पानी आना स्टार्ट हो जाएगा इसका पानी कम होगा कब तक होगा ये प्रोसेस जब तक दोनों के अंदर सेम लेवल नहीं होता है ना सेम लेवल होने के बाद क्या पानी मूव करेगा नहीं क्यों दोनों का पोटेंशियल क्या होगा बेटा सेम है तो वही कॉन्सेप्ट है जब पॉइंट बी और पॉइंट डी का पोटेंशियल सेम होगा तो इस ब्रांच के अंदर करंट नहीं जाएगा ओके तो जब ब्रिज बैलेंस होगा उसकी क्या कंडीशन है उसकी कंडीशन है कि पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस मीन्स द रेशो ऑफ द रेजिस्टेंस इज
टिक वाला, ओके। और इसमें जो पी और क्यू है, पी और क्यू रेजिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड द रेशो आर। उसको क्या बोलते हैं? रेशो आर। आर इज कॉल्ड द वेरिएबल रेजिस्टेंस। आर इज कॉल्ड द वेरिएबल रेजिस्टेंस मींस ब्रिज को बैलेंस करने के लिए वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ आर, एंड एस इज द अननोन रेजिस्टेंस। एस इज द अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसका एक तो यूज क्या कर सकते हैं, हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, एस को, एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये रेशो इक्वल होगा पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस, कब? जब ब्रिज बैलेंस होगा। जब ब्रिज बैलेंस होगा तो करंट कितना हो जाएगा? जीरो। करंट जीरो का मतलब पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट ई। ये बातें क्लियर है? अब इसको करते हैं बेटा प्रूफ। इसका प्रूफ देखो, बाय यूजिंग KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हमेशा क्लोज लूप पे अप्लाई होता है, तो इसके लिए कोई भी क्लोज लूप बताओ कौन सा लोगे? लूप ए बी डी ए, ये लूप होगा ना बेटा, ये आपकी लूप की डायरेक्शन है। तो पॉइंट ऐसे चले, जब पॉइंट ऐसे चले तो लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, देन द प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस एंड करंट इज पॉजिटिव एंड दिस इज पी इंटू आई वन, ओके। प्लस आप बी से डी की तरफ चले तो करंट और लूप की डायरेक्शन सेम, तो ये भी क्या आएगा? पॉजिटिव आई जी इंटू जी, क्योंकि जी क्या ले रखा हमने? रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। फिर डी से ए की तरफ चले तो लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अलग अलग है ना, तो ये क्या जाएगा आपका? माइनस आई वन इंटू आर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, आई माइनस I1 into R. Okay? This is first equation. अब दूसरा लूप कौन सा लेंगे बेटा? बोलो लूप की डायरेक्शन B, C, D, B. क्लोज लूप है तो आपके लूप की डायरेक्शन होगी बेटा ये। अब पॉइंट बी से चलना स्टार्ट करेंगे तो बी से सी आर में करंट की और डायरेक्शन सेम है, तो क्या बोले, क्या लिखेंगे? आई वन माइनस आई जी इंटू क्यू। नेक्स्ट ब्रांच में गए सी से डी तक तो अपोजिट डायरेक्शन होगी, तो क्या लिखेंगे? माइनस आई वन प्लस आई जी इंटू एस। इसके बाद फिर अपोजिट डायरेक्शन है आई जी इंटू जी इज इक्वल टू जीरो, बन गई ना इक्वेशन। अब नेगेटिव टर्म को दूसरी साइड शिफ्ट किया, आई वन माइनस आई जी क्यू आई माइनस आई वन प्लस आई जी एस प्लस आई जी इंटू जी, ये आ गया आपकी इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। यहां तक किसी का प्रॉब्लम? अब ब्रिज इज बैलेंस की कंडीशन पुट करेंगे, आई जी इज इक्वल टू जीरो। इफ ब्रिज इज बैलेंस अब ब्रिज बैलेंस होगा तो इसी क्वेश्चन में क्या पुट कर देंगे? आई जी इज इक्वल टू जीरो। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आई जी इज इक्वल टू जीरो पुट किया तो क्या बचा? पी आई वन इज इक्वल टू आई माइनस आई वन आर, ये आगे क्वेश्चन नंबर थ्री।
सेकेंड इक्वेशन पुट किया तो क्यू आई वन इज इक्वल टू आई माइनस आई वन एस, ये इक्वेशन आ गई फोर। ठीक है, अब इक्वेशन वन डिवाइडेड बाय इक्वेशन टू, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटा, P by Q is equal to R by S, क्योंकि I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, I minus I1 से I minus I1, this is the condition, this is the proof of the Wheatstone bridge। ठीक है, अब इसका यूज कहां पे होगा, एग्जाम्पल न्यूमेरिकल सोल्व करने में, ये कोई भी ये दे रखा है, ये रेजिस्टेंस दे रखे हैं और पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है आपको। ठीक है, और एज इट इज न्यूमेरिकल कैपेसिटर के केस में भी आएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, ये पॉइंट मान लिया मैंने सी, ये पॉइंट मान लिया डी। ठीक है, तो पहले तो इस डायग्राम को हम मॉडिफाई करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे, तो आपको स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आएगी, लेकिन जैसे जैसे जितने ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे ना, आप डायग्राम को चेंज कर पाओगे आसानी से, फर्स्ट टाइम नहीं होगा। तो पॉइंट ए मैंने ये मान लिया, पॉइंट सी ये मान लिया और पॉइंट बी ये मान लिया और पॉइंट डी ये। ठीक है, अब देखो ए और सी, ए और सी के बीच में कितना है, 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये आ गया 2 ओम। सी से बी, डी यहां पे लो और बी ले लो ये। अब सी से डी, नहीं बी डी, सी से बी के बीच में बेटा 9 आया ना, सी से बी के बीच का आ गया ये 9 ओम। फिर ए से डी, ए से डी के बीच में आया 3 ओम और डी से बी, डी से बी 6 ओम और सी और डी 57। आपको ये इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल निकालना। ठीक है, ये वैल्यू रेशो सेम नहीं आया है ना, P by Q is equal to R by S, P Q ये है ना, इसका रेशो और इसका रेशो आना चाहिए 3/6, तो 1/2 आ गया, ये तो नहीं आया ना, तो इसको 1/4 ले लो। ठीक है, अगर ये 6 गिवन 9 था, 9 होगा तो ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, सोल्व नहीं कर पाओगे इस कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी कोई न्यूमेरिकल होगा तो सबसे पहले क्या करोगे, इन दोनों का रेशो चेक करो, तो 2/4 1/2 और 3/6 1/2, दोनों का रेशो सेम है, तो रेशो सेम है इसका मतलब ब्रिज बैलेंस है, ब्रिज बैलेंस है जिसका मतलब सी से डी तक कोई करंट नहीं आएगा। अगर इसमें कोई करंट नहीं आएगा तो इस रेजिस्टेंस को आप क्या कर सकते हो, नेगलेक्ट। ठीक है, इसको नेगलेक्ट किया तो आपका डायग्राम कुछ इस तरह से बना, टू फोर थ्री सिक्स। ठीक है, अब सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे तो दोनों के दोनों रेजिस्टेंस क्या है बेटा, सीरीज, ये दोनों रेजिस्टेंस क्या है, तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम क्या बन जाएगा, 6 और इसका 9।
अब दोनों क्या आगे पैरेलल में, अब इन दोनों को सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 6 × 3 / 6 × 9 + 6 + 9 दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो एज इट इज क्वेश्चन बेटा आपको जब कैपेसिटर टॉपिक पढ़ा है तो वहां पर भी जो सोल्व किया था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी थी, तो इन रेजिस्टेंस की जगह पर क्या आए थे, कैपेसिटर आए थे, तो वे भी इसी कॉन्सेप्ट से सोल्व हो। ठीक है, इसके बाद इसका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज इज मीटर ब्रिज। नेक्स्ट टॉपिक है मीटर ब्रिज। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बेटा इसका एक ही एप्लीकेशन है, मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। ठीक है, इसके नाम से क्या पता चल रहा है, मीटर वर्ड यूज किया है, इट मींस इसके अंदर जो वायर यूज की गई है दैट इज 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर। जिस तरह से पोटेंशियोमीटर में देखा था उसमें तो कई वायर थी ना, इसमें सिर्फ एक वायर होगी और उसकी भी लेंथ कितनी होगी, 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होगी बेटा, ये मेटल की स्ट्रिप होगी और इस फर्स्ट स्लॉट के अंदर हम कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, आर वेरिएबल रेजिस्टेंस, एस जिस भी रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, मीन्स बाय यूजिंग मीटर ब्रिज वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है ना, क्या यूज होगा इसका, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। तुमने यहां पर अननोन रेजिस्टेंस क्या देखा था बेटा, एस था ना, तो हमें एस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो आर और एस तो आपको डायरेक्ट मिल गया, और फर्स्ट स्लॉट के अंदर आपने रेजिस्टेंस आर कनेक्ट किया, सेकंड स्लॉट के अंदर आपने अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो कनेक्ट किया, और इन दोनों के बीच में जो मीटर स्ट्रिप है यहां से एक टर्मिनल निकाला, गैलोनोमीटर कनेक्ट किया और जॉकी कनेक्ट की। ठीक है, और एक सी टर्मिनल को एक ईएमएफ सोर्स और एक की से कनेक्ट कर दिया। क्लियर, अब एक चीज देखो, जब आप इसकी को तो ओपन रखोगे तो क्या सर्किट कंप्लीट हो रहा है, नहीं कंप्लीट हो रहा है ना, कोई करंट नहीं होगा। जैसे ही आपने की को क्लोज किया तो इस सर्किट के अंदर से करंट जाएगा। ठीक है ना, अब करंट जाएगा तो ए से सी तक जो वायर है इसके अंदर भी करंट जाएगा। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके अंदर ये वायर किस मटेरियल की यूज की जाती है, तो जो पोटेंशियोमीटर में बताया था बेटा एलॉय कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन। ठीक है, उसकी अब जब इस जोक की को इसमें से करंट जा रहा है ना, करंट जा रहा है ना, जैसे ही हम जोक की को पॉइंट ए से मूव कराना स्टार्ट कराएंगे धीरे 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 धीरे, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर गैलोनोमीटर कितना डिफ्लेक्शन शो करेगा, जीरो। जहां पर गैलोनोमीटर ने डिफ्लेक्शन जीरो शो किया उस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, बी। अब देखो इस ब्रांच और इस ब्रांच का दोनों पैरेलल में है ना, इनका पोटेंशियल सेम होगा और इनका पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहेगा। ठीक है, तो नल पॉइंट मिल गया, तो जो नल पॉइंट मिला, अब इस डायग्राम को इससे कंपेयर करके देखो बेटा, आर और एस तो आपका डायरेक्ट है, अब पी और क्यू कहां से आएगा, ये माना मैंने लेंथ एल पे डिफ्लेक्शन जीरो शो किया, ये लेंथ कितनी बची बेटा, 100 - L, लेट रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर। ठीक है, यदि वायर की रेजिस्टिविटी रो है तो अब इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टिविटी का रेजिस्टेंस पर यूनिट, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टिविटी नहीं रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रो इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब जो ये पोर्शन बच गया बेटा, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा,
एल इंटू रो, ये इसको स्मॉल आर मान लो, आसानी से याद रहेगा आपको, एल इंटू आर, और इसका रेजिस्टेंस कितना होगा 100 माइनस एल इंटू आर। अब इसको कंपेयर करके देखोगे बेटा, ये ब्रांच तो आपकी पी बन गई, और तो ये ब्रांच क्या बन गई आपकी क्यू। देखो पी क्यू ये बन गई, आर एस गिवन है, और जो गैल्वेनोमीटर बीच में कनेक्ट किया है वो आपका ये पॉइंट बनेगा। तो पूरा ब्रिज शेप इसके अंदर दिखाई दिया आपको, और ये कंडीशन कौन सी आई, जब नल पॉइंट डिफ्लेक्शन शो किया, आई जी इक्वल टू जीरो, ब्रिज बैलेंस, ब्रिज इज बैलेंस, ये कंडीशन आ गई ना। अब ये कंडीशन आ गई तो निकाल लो आप, पी की वैल्यू तो कितनी आई बेटा एल इंटू आर, क्यू की वैल्यू कितनी आई 100 माइनस एल इंटू आर, ठीक है। अब ब्रिज बैलेंस है तो पी बाय क्यू इज इक्वल टू आर बाय एस, आपको निकालना क्या है, एस की वैल्यू निकालनी है, तो एस क्या आएगा क्यू बाय पी इंटू आर। अब क्यू की वैल्यू पुट करोगे तो कितना आया 100 माइनस एल इंटू आर अपॉन एल इंटू आर इंटू आर, ठीक है। तो एस का क्या फॉर्मूला बन गया बेटा 100 माइनस एल इंटू आर। तो बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट यू कैन कैलकुलेट टू फाइंड आउट द यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल गिवन होगा तो आपको बताएगा कि डिफ्लेक्शन 25 सेंटीमीटर पे शो किया, जीरो डिफ्लेक्शन, या ब्रिज बैलेंस होगा 30 सेंटीमीटर पे, 40 सेंटीमीटर पे, 50 सेंटीमीटर पे अननोन रेजिस्टेंस निकाला, ठीक है। तो बस इतना ही है, इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट।